हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको दो तरह के शेक बनाने की रेसिपी बताने जा रही हूँ। इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ग्राइंडर जार ले लेना है। इसमें मैंने 1 गिलास फुल फैट मिल्क डाला है और इसके बाद हम इसमें 1 मैंगो का पल्प, जो मैंने पहले से ही मैंगो को पील करके उसका पल्प निकाल लिया था, वो पल्प डाल दे रही हूँ। इसके बाद मैं इसमें 5 से 6 चम्मच चीनी डाल रही हूँ और 10 से 12 आइस क्यूब्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे कि मिक्सचर ग्राइंडर का ढक्कन लगाकर इसे अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। सबसे पहले मैंने मैक्सिमम स्पीड पर इसे ग्राइंड किया है, इसके बाद मैंने सेकंड मैक्सिमम स्पीड पे इसे ग्राइंड किया है और इसके बाद मैंने इस पे मिनिमम स्पीड पर कम से कम 2 से 3 मिनट इसे ग्राइंड किया है। मिनिमम स्पीड पर ग्राइंड करने से इसका जो टेक्स्चर है वो काफ़ी स्मूद आता है। तो इसके बाद हम क्या करेंगे, इसे एक ग्लास में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ग्लास में ट्रांसफ़र करने के बाद हम इसे मैंगो पल्प से गार्निश करेंगे। मैंने पहले से कुछ मैंगो पल्प काट के रख लिए थे, ये देखिए मैंने मैंगो पल्प से इसे गार्निश कर दिया है। जब आप इस शेक को नज़दीक से देखोगे तो आपको एक बहुत ही स्मूथ क्रीमी टेक्सचर दिखेगा, जो कि काफ़ी लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा ऑसम और टेस्टी है। इसके बाद सेकेंड शेक जो हम बनाने जा रहे हैं वो है बनाना शेक। बनाना शेक के लिए हमें क्या करना है कि जो मैं ये सारी सामग्रियाँ दिखा रही हूँ, ये सारी सामग्री हमें ले लेनी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स, बनानास, चीनी यानी शुगर, मिल्क, आइस क्यूब्स। सबसे पहले हमने क्या करना है, बनाना को छील लेना है यानी पील कर लेना है, इसके छिलके उतार लेने हैं। मैंने 4 बनाना लिया है और मैं 2 गिलास बनाना शेक बनाने जा रही हूँ। तो मैंने सारे बनाना को पील कर लिया है और इसके बाद हम क्या करेंगे, मिक्सचर ग्राइंडर में कुछ ड्राई फ्रूट्स ऐड करेंगे। जैसे मैंने 4 काजू और 4 बादाम ऐड किए हैं। इसके बाद हम इसमें मिल्क ऐड कर लेंगे, मैंने फुल फैट मिल्क इसके लिए भी लिया है। इसके बाद हम इसे में क्या करेंगे, बनाना को तोड़ तोड़ के इसमें डाल देंगे। मैं इसमें 4 में से 3.5 बनाना इसमें डाल रही हूँ, यानी 3 बनाना और उसका आधा, एक का मतलब लास्ट बनाना का आधा बनाना इसमें ऐड कर रही हूँ। आधा बनाना मैं गार्निश करने के लिए रखूँगी, जो कि लास्ट में मैं आपको दिखाऊँगी उसे क्या करना है। इसके बाद मैंने वही 10 से 12 आइस क्यूब्स लिए थे उसे डाल दी हैं और यहाँ पे मैंने चीनी का पोर्शन बढ़ा दिया है। यहाँ पे हमें 7 से 8 चम्मच चीनी चाहिए होंगे। ऐसे हमने ठीक सेम प्रोसीजर को हमने रिपीट करना है। पहले मैक्सिमम स्पीड पर हमें इसे चलाना है, ग्राइंड करना है, फिर मीडियम और फिर लो स्पीड पे इसे ग्राइंड करना है। इसके बाद मैं इसे ग्लास में ट्रांसफ़र कर दे रही हूँ। इसके बाद हम इसे गार्निश करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना है, ड्राई फ्रूट्स को, कुछ ड्राई फ्रूट्स को कूट लेना है। आप चाहे तो इसे काट भी सकते हैं, पर मैं कूट के ले रही हूँ। इससे इसका क्या है कि जो गार्निशिंग है वो काफ़ी खूबसूरत दिखाई देती है और मुझे पसंद है, पर्सनली मुझे काफ़ी पसंद है। तो सबसे पहले मैंने ग्राइंड किया हुआ ड्राई फ्रूट से इसे गार्निश करूँगी। इसके बाद हम इसमें बनाना काट के गार्निश करेंगे और कुछ मैंने इसमें किशमिश से भी इसे गार्निश किया। आप देखिए मैं बनाना काट के इसे गार्निश कर दे रही हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, फिर से जो हमने ड्राई फ्रूट्स कूटे थे उसे हम उसके चूरे से हम इसे गार्निश कर देंगे। इसके बाद हम इसमें फिर से कुछ किशमिश से इसे गार्निश कर देंगे और ये काफ़ी स्मूथ, काफ़ी टेस्टी लगते हैं और देखने में भी काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं। ये देखिए काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।